का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद बोलता हूं उनको। और आज के इस पत्रकार परिषद का जो विषय है, दो विषय पर यह पत्रकार परिषद रखा गया है, जिसमें पहला विषय है मित्तल ग्राउंड प्रवेश द्वार का जो रास्ता है, वहां पर जो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड़ का जो अनलीगल रूप से अनाधिकृत रूप से जो उनका नाम लिखा गया है, एक विषय वो है जिसको लेकर जो है हमारी मोहतरमा रिदा रशीद मैडम ने अर्जी दिया है। और दूसरा विषय यह है कि पिछले दिनों शंकर मंदिर स्थित जो मध्यवर्ती शाखा है उस पर कुछ लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी की है, तो उस पर जो है आप लोग सवाल मुबीन सुरवे साहब जो हमारे शहर प्रमुख हैं उनसे करेंगे, उसका जवाब शहर प्रमुख मुबीन सुरवे साहब देंगे। और मित्तल ग्राउंड रास्ते का जो मामला है वो हमारी मोहतरमा रिदा रशीद मैडम जवाब देंगी, तो अब आप लोग सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। 26 तारीख को, 26 नवंबर को मैंने TMC को एक लेटर दिया है और CC किया है पुलिस को, मित्तल का जो रास्ता है नया वाला, वहाँ पर गेट बना हुआ है जिसपे कुछ हमारे बड़े लोगों का भी फोटोज़ है और एक नाम है आमदार साहब का। वो कैसे आया अगर ये गेट बना है TMC के फंड से, और प्रस्ताव अगर पास हुआ है या किसने, नगर सेवक ने प्रस्ताव रखा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मैंने पेपर मंगा है। और पेपर मंग के मैंने उसमें बोला था कि 8 दिन में हमें आप पेपर दो या जवाब दो, कैसे क्या हुआ और जितेंद्र आव्हाड़ का नाम कैसे लिखा गया, तो या फिर हम ये कॉपी तो मैं दूंगी आपको, या फिर 8 दिन बाद या 8 दिन पे ही हम हमारे हिसाब से वो नाम निकाल देंगे, जवाब दो या फिर वो नाम हम हमारी हिसाब से निकालेंगे, ऐसा एक लेटर दिया है जिसमें अभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा मैडम इस पे हमारा काम चालू है, इस पे हमको पेपर आया नहीं है, तो बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारा टाइम पूरा होगा वैसा हम वो नाम निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेटर कब दिया है? 26 तारीख को, 26 दिन तो हो गया, नहीं हाँ अच्छा 30 तारीख को दिया है, 30 नवंबर को दिया है। मालूम पड़ना चाहिए ना शहर को, कौन बनाया है, किसने बनाया है, उठ सुट के नाम लगा देना, चोरी चोरी छुप छुप के नाम चढ़ा देना, तो शहर में मालूम पड़ना चाहिए, शहर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए किसने किया है, क्या किया है, किसका नाम, आमदार का नाम लग गया मतलब वो आमदार ने किया है क्या, ये गलत फहमी लगता है, बहुत गलत लगा के किया है। तो अभी के बाद, आज के बाद जो भी जिधर नाम है उस पर काम होगा, और बाकायदा पेपर मंग के करेंगे हम लोग काम, तो उसी से ये बिस्मिल्ला किया गया है कि आज के बाद जिधर जिधर नाम अगर आपका लगा है, जिधर जिधर किसी नगर सेवक का लगा है या आमदार का लगा है, तो TMC हमें पेपर दे या किसने बनाया, क्या शहर को मालूम पड़ना चाहिए ना ये कौन बना रहा है, किसका नाम है, क्यों है, क्योंकि हमको सभी को पता है आप लोगों को नाम निकाला गया फिर लगाया गया, निकाला गया फिर लगाया गया, इसलिए सभी के सामने सब पेपर आना चाहिए, इसलिए लेटर दिया गया है और देखते कब पेपर आता है या हम हमारे हिसाब से काम करें। 8 दिन कह रहे, अगर 8 दिन में मनपा कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करेंगे? हम हमारे हिसाब से उपनाम निकाल देंगे। लेकिन शहीद वीर अब्दुल हमीद मार्ग रहने दिया जाए? नहीं नहीं, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बोलने का मतलब, हमारा पूछने का यही है कि जो नाम लिखा गया है आमदार साहब का, वो नाम कैसे आया, उनके TMC के उनके आमदार निधि से है क्या, या कोई प्रस्ताव में आया है क्या, क्या हुआ, क्योंकि हम सभी शहर जानता है वो नाम कैसे लगाया, किसने लगाया, लेकिन बस पेपर पे आ जाए तो सभी को अच्छा खुलासा हो जाएगा ना शहर वालों को। नामों की अदला बदली से शहर की आवाम को क्या पता? बहुत सारी झूठी बातें होती है, एक बार खुल के आ जाए सभी चीज़ें, खुल के पेपर पे आ जाए सब चीज़, तो क्या सभी को मालूम पड़ेगा कितना झूठ और कितना सही काम हुआ है, बस इतना फायदा तो बहुत सारा फायदा होगा। झूठे नाम किसने करवाया है, मतलब उसमें TMC का सहयोग नहीं है? अभी पेपर आने तो हमको क्या पता है, अब TMC पेपर देगी ना। गेट कब बनाया, नाम कब चढ़ाया, आपत्ति अभी क्यों, उस वक्त क्यों नहीं हुई जब ये आया था? नहीं, मेरा तो उस टाइम भी आपत्ति थी, मैंने उस टाइम भी बोला था
और उस टाइम का भी पेपर दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं है अपने पास। तो किसका नाम लिखा जाएगा, मतलब नहीं, वो टीएमसी डिसाइड करेगी, वो मैं और तुम नहीं करेंगे, वो टीएमसी डिसाइड करेगी। बस हमें पेपर चाहिए, नहीं पेपर नहीं है टीएमसी के पास, तो हम हमारे हिसाब से निकाल देंगे कि जो जनता को मालूम भी पड़ना चाहिए, जनता के हक का पैसा लगा है ना, किसने लगाया, क्या लगाया, मालूम पड़ना चाहिए, तो खुलासा होना चाहिए सब बातों का। तो बस इसका बिस्मिल्लाह किया। सिर्फ एक मुद्दा भी कहने वाले थे, दूसरे मुद्दे पर भी दिखते हैं। हाँ सेकंड, अभी मेरा यहाँ मैडम बाइक। हाँ मैडम, सिर्फ एक ही जगह पे आपको आपत्ति क्यों है, रोड पे, वहाँ पर और भी जगहों पे जो है ना उनके नाम है। मैंने कहा शुरुआत है, सभी जगह जाएंगे, इसका शुरुआत तो होने दीजिए, पेपर आने दीजिए, सभी जगह जाएंगे, कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान चोर भीड़ सब ढूंढ के निकालेंगे, सब ढूंढ के निकालेंगे, लेकिन बस बिस्मिल्लाह किया है, बस आप लोग का साथ बना रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराज। काफ़ी दिनों से मुमरा शहर इतना गर्म है, कोई उसके लिए कोई बड़ी वजह नहीं है, बस किसी भी चीज़ की आड़ लेके कभी उद्धव ठाकरे साहब को मुमरा बुलाना, उनका गैर इस्तेमाल करके उनको गलत मालूमात देके मुमरा को हॉट करना, उसके बाद में कुछ राखी सावंत जी से छुटपुट नेता है ना, राखी सावंत जी से जो चोला बदलते रहते बार बार, वैसे कुछ लोग महानगर पालिका के प्रभाग समिति के बाहर टेंट लगा के भूख हड़ताल का ड्रामा करके, हाँ कि एक टेबल मुमरा में और कैसा बढ़ जाए ताकि बिल्डर हमारे पास भी आए, हमारी भी कुछ तोड़ पानी हो, तो इसको मार्गदर्शन है ना, ये हमारे आमदार साहब कर रहे, फिर उसमें टीका टिप्पणी करने का कि मुमरा में कब्जा की हुई जगह वहाँ पर शाखा बन रही है। अरे कब्जा की हुई जगह, आप लोग पत्रकार है, आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि शिवसेना, इसका सिंबल माननीय हमारे नेते एकनाथ शिंदे साहब, इनको सिंबल दिया हुआ है, उनकी मालमत्ता तक दी हुई है, यानी वो जो कैश भी पैसा रखा हुआ था ना, वो उनकी इजाज़त से, यानी उद्धव ठाकरे ने मांगे वो पैसा, तो उन्होंने बोला कि पैसे का क्या करने का है, तो उन्होंने उनकी मर्जी से वो पैसा दिया गया, इसका मतलब मूल शिवसेना किसकी। लेकिन वो मामला कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, मालमत्ता तक उठा के दे दिए, लेकिन सिंबल ये हमारे हक का है, सिंबल है ये पार्टी है, तो उसमें जो मालमत्ता की शक्ल में एक शाखा थी जो 1998 में आप लोगों को पता है शंकर मंदिर के इधर 98 में वो शाखा थी, फिर रोड वाइंडिंग का काम हुआ 99 में, तो वो टाइम पे रोड चौड़ा होने के कारण शाखा की जगह पूरी चली गई, तो तब हमारे धर्मवीर आनंद दीघे साहब तब जिंदा थे, तो उनको मित्तल ने वो जगह दी कि भाई ये जगह पे तुम्हारी शाखा बना दो। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इन लोग का बोलना है अनधिकृत शाखा अनधिकृत शाखा, तो शाखा की स्टोरी इस तरह से है कि शाखा तो थी ना, हम लोगों ने, हमको जगह कम पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था लोगों के काम करने के लिए जगह छोटी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे नेते राजन दादा इनके मार्गदर्शन में वो जगह को हम लोगों ने पुनर्निर्माण का काम शुरू किया है। तो जिस तरह से मुमरा एक समझौते का शहर है, यहाँ पर मस्जिद के लिए भी आदमी दो कुछ फुट जगह छोड़ के मस्जिद पीछे कर लेता है, तो क्या लीगल थोड़ी है इसका मतलब मस्जिद, मंदिर है, मंदिर भी यहाँ पर मुमरा स्टेशन के पास में रोड पे था, कौसा जामा मस्जिद उसको तोड़ के पीछे किया गया, और उसके बाद में मुमरा, अरे मैं ये आमदार साहब को बोल बोल के थक गया था जब ये मिनिस्टर थे तब, कि ये बस्ती बहुत पुरानी बस्ती है, 1985 से बिल्डिंगें बन रही है, ये बिल्डिंग में जब अभी रिपेयर का काम जब चालू होगा तो यहाँ के लोगों का हाल क्या होगा, बीच में एक बार भूकंप आया था वो टाइम पे एकदम फिकर का विषय था। आपने कहा मस्जिद जो है पीछे कर लिए जाती है, तो मस्जिद क्या लीगल हो जाती है, मस्जिद क्या लीगल होता है? नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मुमरा एक समझौते का शहर है, यहाँ पर हर काम समझौते से पूरा हो जाने दो, फिर पूरा क्या हो जाने दो, वो
अरे मस्जिद अवैध नहीं होती है, मंदिर अवैध नहीं होता। उस तरह से ये जो शाखाएं हैं, या तो जितने पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिस चलाते वो क्या लीगल है क्या? वो समझौते से चलते हैं। ये शहर समझौते का शहर है। यहाँ पर लोग तो है ना, चाल मस्जिद मंदिर मत लाइए ना। अरे लेकिन एक बात बोलूँ, ये शाखा है शिवसेना के लिए क्या है मालूम? मंदिर से कम नहीं है, इसके लिए मंदिर और मस्जिद का जिक्र आया है। नहीं नहीं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, एक शिवसैनिक के लिए, एक शिवसैनिक के लिए शाखा किस चीज की? पूजा करने की जगह है। ठीक है, तो वो मस्जिद। चलिए मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे का क्षेत्र कब तक समझौते से चलेगा? समझौते से आगे भी बढ़ना चाहिए। जब तक के हमारे यहाँ के आमदार मिनिस्टर रह चुके, वो टाइम पे अगर क्लस्टर लेके आते तो ये जो इलीगल इलीगल का झंझट खत्म हो जाता था सर। हाँ, जब सत्ता हाथ में रही है, जब पावर रहा है हाथ में, तो जो काम शहर के लिए करना चाहिए था, वो टाइम पे मैंने बोला था कि MMRDA के जैसा BIT चाल वगैरह बॉम्बे में है ना, इस तरह से यहाँ पर कुछ बनाया जाए ताकि कोई बिल्डिंग अगर रिपेयर में आती है तो उसको तोड़ के उनको शिफ्टिंग कर दिया जाए। तो मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि ये शाखा भी है ना, पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई शाखा बनाई जा रही है। आप लोग इस चीज़ के गवाह है कि जो शाखा है इसको छोटी पड़ रही थी, इसके लिए तोड़ के हम लोग इसको बड़ा कर रहे हैं। और इसमें है ना, हमारे आमदार डर रहे इस चीज़ से, क्योंकि जब मिनिस्टर थे तो एक टप्पा बिल्डरों का था, पब्लिक का तो 10 मिनट का टाइम रहता था कि आओ क्या काम है फटाफट बताओ, मेरे पास में टाइम नहीं है। तो उसमें अभी कुछ लोग जो जा रहे हैं वहाँ पर, तो अगर यहाँ पे शाखा बनी, हमारे नेते राजन किने साहब है, रीदा मैडम है, इन लोगों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जब लोगों के काम होंगे तो खाना क्यों जाएंगे सर? डेढ़ साल से आप लोग बंद होने का चक्कर है। डेढ़ साल से आप लोगों की सरकार है यहाँ पे, तो आप लोग क्यों नहीं क्लस्टर डेवलपमेंट लाते शहर में? चालू है, पैसे भी दिए है एकनाथ शिंदे साहब ने ना, कुछ मेरे ख्याल से यहाँ के सर्वे के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लेकिन उनका तो पिछले टर्म में वादा था ना कि एशिया की पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी रहेगी ये अनाउंस के आसपास का। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का प्लान तो वही प्रोसेस में काम चल रहा है। 9 करोड़ रुपया उन्होंने सर्वे के लिए सैंक्शन किया हुआ है, अभी सर्वे चालू होगा और उस दिशा में काम चलेगा हमारा। तो आपका कहना है कि ये जो शाखा है, पिछले जो न्यूज में चल रही थी कि शिंदे ग्रुप का कब्जा, तो कब्जा है या पहले से है शिंदे? अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जगह माल मत्ता शिवसेना की है, यानी वो चीज तो हमारी हो गई। उसका बहिष्कार आप करते हैं कि उसका सपोर्ट करते हैं? किसका बहिष्कार? जो न्यूज चली थी कि शिंदे ग्रुप का कब्जा, कब्जा को कब्जे को लेके मैं उसका निषेध करता हूं। कब्जा किसने बोला? जो चला है कब्जा जिसने बोला उससे आप सवाल करिए ना। नहीं, इन सवाल तो मैं दोनों से कर सकता हूँ। बोला उसको छोड़ के आप उससे सवाल करिए। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जिस तरह से बिल्डिंग टूटती है और वहाँ पर लोग खाली करके फिर अपनी बिल्डिंग पूरी बना के उस बिल्डिंग में रहने जाते, उसी प्रकार का ये काम है। हमारी जो शाखा है छोटी पड़ रही थी या काम करने लायक नहीं थी, हमको जैसी चाहिए वैसी नहीं थी, तो उसको तोड़ के हम लोग नए सिरे से काम कर रहे हैं। नए सिरे से आप बना रहे हैं, लेकिन बात हो रही थी लीगल और इलीगल, उस पर प्रोटेस्ट में ही लोग बैठे, और आप भी कह रहे हैं कि जो है इलीगल के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट, तो आप लीगल करने के लिए कुछ प्रोसेस कर रहे हो कि उसको लीगल कर लिया जाए? हाँ, कोशिश चल रही है, महापालिका से बात चल रही है, इंशाल्लाह वो लीगलाइज करने की हमारी पूरी कोशिश है। पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यानी जो पत्र व्यवहार है वो हम लोग का चल रहा है। अभी इलीगल है? हाँ, अभी इलीगल। इलीगल पूरा शहर है, पूरा शहर इलीगल। इलीगल पूरा शहर है और सब उसके लिए, उस इलीगल शहर के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो, एक बात बोलता हूँ कि ये जगह मित्तल ने प्राइवेट लैंड दी, वो प्राइवेट लैंड दी थी हमारे धर्मवीर आनंद जी के साथ को, और वो तब से वो चीज थी। अभी वो उसको जैसा आपको समझ नहीं सकते। लेटर होगा या हाँ है? हाँ, लेटर दिए हम लोग, यानी इसको रेगुलर करने के लिए हम लोग ने लेटर दिया हुआ, पत्र व्यवहार दिया किया हुआ है हमारी। कोई चीज कोई देता तो रेगुलेशन लेटर देता। हम लोगों ने तोड़ने से पहले भी उनको इंटीमेट किया कि अभी हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, वो इंटीमेट किया हुआ है। फिर बाद में हमारे बड़े नेता है उसका पाठ पूरा हुआ कर रहे हैं उसको रेगुलर करने के लिए। लीगल करके बनाएंगे आप? नहीं, अभी काम तो चल रहा है और लीगल का भी प्रोसेस चल रहा है। बनाएंगे लीगल करके, इलीगल ही बनेगा?
ना अभी जो काम है वो तो काम अभी लोगों का काम करने के लिए लीगल और इलीगल के लिए रुकना तो नहीं पड़ेगा। हम लोग अभी दो दीवारें खड़ी करके लोगों का काम शुरू करेंगे। थैंक यू।